नमस्कार दोस्तों, हिरेन अनबॉक्सिंग के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे चैनल पर आपको जो है डे टू डे लाइफ से जुड़ी जो भी प्रोडक्ट मैं लेता हूँ उनका अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं हमारे चैनल पर करता हूँ। सो चैनल अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, आज का जो प्रोडक्ट है वो है एक स्टील बर्ड का जो है एक हेलमेट है। इससे पहले वाला मैंने एक लिया था जो कि बहुत ही बेकार आया था, जिसको मैंने आप लोगों को रिकमेंड नहीं किया था कि आप मत लो। जो हेलमेट होता है ना वो सस्ता में ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि मेरा जो थिंकिंग ऐसा था कि काम चलाओ के लिए ले रहा था मैं एक्चुअली, लेकिन काम चलाओ के चक्कर में जो है बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना बेकार था वो, कि मतलब अगर लेना है तो अच्छा लो, नहीं तो हेलमेट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस से बचने के लिए अगर आप लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर कभी एक्सीडेंट ना, मतलब भवन अगर है, अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको खुद हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हेलमेट अगर लेना है तो थोड़ा अच्छा वाला लो। तो मैंने ये लिया है, जो इसका रेट है, प्राइस है, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। पिछले वाला जैसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले का जो ब्रांड था ना वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये स्टील बर्ड है। अब देखते हैं कि ओरिजिनल है या क्या है क्वालिटी। अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसको भी मैं रिटर्न कर दूंगा, अगर अच्छा है तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि अच्छा है, क्योंकि ये मैं खुद यूज़ करूँगा इसीलिए। अगर इसका वेट बताऊं तो ये बहुत बहुत ही कम वेट है इसका, हल्का फुल्का है। तो बाकी एग्जैक्ट जो वेट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ना, उसमें इसका लिंक, प्रोडक्ट का लिंक है, वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा इसका जो वेट है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ मिल जाएगा आपको। पैकेजिंग इसका पहले वाले का ना दोस्तों, जो आगे का जो ग्लास था ना, तो वो ग्लास फिट नहीं था। तो अभी देखते हैं कि इसमें फिट आता है नहीं आता है। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है। ये है वो हेलमेट, और सचमुच पिछले वाला जो था ना उसका जो प्राइस था ना वो बिल्कुल कम था। तो ये कुछ इसका जो प्राइस है आपको पता चल रहा है 700 समथिंग है। तो सचमुच इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मतलब टच करके पता चल रहा है ना कितना अच्छा है। बाकी सामने से आप देख सकते हो कलर जो है इसका रेड है, अगर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा के कारण या फिर जो कलर आता है मोबाइल में तो उससे अगर पिंक लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, ये वैसे है रेड कलर का। तो ये मीडियम साइज का है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंदर में, ये मीडियम है अंदर, यहाँ पे दिख रहा है सर। तो देखिए प्रोडक्ट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है देखिए 650 + 50 ग्राम। तो बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा जो बुलेट है ना घर पे, आप लोग मेरा ब्लॉग चैनल पर फॉलो करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो उसमें जो हेलमेट दिया था ना वो बहुत हल्का, मतलब वो भी बहुत भारी था, लेकिन उसके कंपेयर में बहुत हल्का है। और देखो ये अच्छा क्वालिटी, वो पिछले वाला ना ऐसा करके किया था तो पर पिचक गया था। तो ये होता है क्वालिटी, तो सचमुच स्टील बर्ड ही होता है, मतलब जो ब्रांडेड होता है ना वो, जो ब्रांडेड होता है ना वो ब्रांडेड ही होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब ये स्टील बर्ड जो दिया ना, ये एक्स, ये इसमें जैसे ये पूरा प्लेन में है ना, और ये जो है ना प्लेन में नहीं है, ये एकदम लग रहा है कि इसमें मतलब पूरा मशीन से ऐसा मार दिया होगा पूरा। जो भी हो, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं एक बार लगा के आपको दिखाता हूँ। और देखो इसमें ना स्टेप है, ऐसा होता है ना फट से उड़ जाता है, फट से डाउन हो जाता है। मेरे पास भी एक स्टील बर्ड का है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, वो मैंने दुकान से लिया था, वो मुझे लग रहा था थोड़ा डुप्लीकेट लेंगे, और डुप्लीकेट नहीं है। और देखो ये जो स्टेप वाइज है, ये देखो ये होता है ना क्वालिटी। अगर आपको मान लो हल्का सा नीचे करना तो एक स्टेप अप कर दिया, दूसरा स्टेप अप करना तो यहाँ कर दिया, ये होता है क्वालिटी। बाकी मीडियम्स मेरे लिए मीडियम ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा होता तो ठीक ही था, लेकिन
ये है इसका क्वालिटी। तो ये एक स्टेप अप, तो ठीक है, ये यहाँ तक भी काफ़ी बढ़िया है। ये बैक लुक दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका बैक लुक है। और बाकी जो देखो आप, एक चीज़ देख सकते हो आप, ये इसका जो स्टिकर है ना वो निकाल देता हूँ। यहाँ लिखा भी है रेगुलर फिट, तो इसीलिए शायद फिट हो गया है ये। लेकिन मेरे से ज़्यादा अगर किसी का माथा है ना तो वो थोड़ा बड़ा ही यूज़ करना, मेरा माथा थोड़ा सा छोटा है। अच्छा, मुझे लगा ये बहुत बड़ा स्टिकर होगा, लेकिन ये ऐसा एकदम पतला सा है, देखो पन्नी सा है पूरा। और बताया गया कि दोस्तों ये स्क्रैच फ्री है, ये तो स्क्रैच नहीं आएगा शायद इसमें, लेकिन हार्ट से लगेगा तो शायद आ भी जाएगा, वो नहीं बता सकता हूँ। तो अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। तो देखो आप यहाँ से ना, ये पूरा नोज़ के लिए ना ये खुला हुआ है नोज़ के लिए, ताकि आप जो हम होते हैं ना कि नाक का जो हवा है वो यहाँ पे आके कभी कभी क्या होता है ना, पूरा फॉग आ जाता है ना, तो उससे दिखाई नहीं देता कभी। रात में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और ठंडियों के दिन में भी। तो ठंडियों के दिन में एक मास्क लगा लेना यहाँ पे आप, तो उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, पूरा क्लियर विजन है, एकदम बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, मैं बहुत खुश हूँ, क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है। चलो मैं आपको अभी इसके बैक कैमरा से ना इसका क्वालिटी दिखाता हूँ सामने से बिल्कुल। तो ये है क्वालिटी, तो देखो ये बिल्कुल स्क्रैच फ्री बता रहा है। और मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टील वर्ड का यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, देखो अलग से लगा हुआ है, और ये पूरा प्लेन में है, और स्टील वर्ड का टैग भी लगा हुआ है यहाँ पे अंदर में। तो प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो ले लेना। अगर हेलमेट चाहिए आपको इस रेंज में तो इसी रेंज में लेना, अब ट्रस्ट करो इसी रेंज में लेना, 500 में भी मत जाना, जाना है तो इसी में रेंज में जाना, बिल्कुल अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा एकदम बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो आप। तो चलो आज का जो प्रोडक्ट है इसको यहीं पर रखते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक अनबॉक्सिंग और नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।